एक समय की बात है, एक जंगल से कौवा उड़ता हुआ गांव की तरफ आ जाता है। वो बहुत ही प्यासा था। उसने एक छत पर एक पानी का छोटा मटका देखता है। वह सोचता है कि शायद इस मटके में पानी है और वह पीने के लिए उस मटके पास चला जाता है। लेकिन देखने के बाद पता चलता है कि उस मटके में इतना पानी नहीं है कि उसके चोंच उस पानी तक पहुंच सके और चारों तरफ देखने के बाद कहीं पर भी कोई पानी नहीं मिलता है। वह सोचता है कि आखिर पानी कैसे पिया जाए। तब उसके दिमाग में एक विचार आता है और वह बाहर से पत्थर के टुकड़े लाकर उस मटके के अंदर डालना शुरू कर देता है। जैसे जैसे पत्थर मटके के अंदर डालता है, मटके का पानी ऊपर आने लगता है। काफी मेहनत करने के बाद मटके का पानी ऊपर आ जाता है और कौवा उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा लेता है और फिर अपने रास्ते निकल जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मेहनत का फल मीठा होता है, इसलिए मेहनत करते जाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी आप लोगों को समझ में आई? समझ गए दादाजी।